हाँ भैया वाला फैन उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अल्लाह के फजल करम से फैदर होंगे। तो गाइस मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज मुझे पापा फ्लैग दिला देंगे, तो आज फाइनली पापा ने मुझे फ्लैग दिला दिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये रहा फ्लैग। अभी मैं आप लोगों को सही से प्रेस होने के बाद खोल के दिखाऊंगी, बट अभी भी दिखा दूंगी। और ये रहे बलून्स एंड ये रही झंडियाँ, छोटी छोटी झंडियाँ लेकर आई हूँ, अपना घर सजाऊंगी। और ये दोनों मैंने ना उनमें से ढूंढ के निकाले थे बहुत मुश्किलों से, ये दोनों ना मुझे नबी की आमद पर बहुत खुशी है। ये देखिए दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों के ऊपर मस्जिद नबी बनी हुई है और ये बस एक अलग है, क्योंकि उन्होंने कहा बस ये ख़त्म हो गए हैं। मैंने बहुत मेहनत से ढूंढ के निकाले थे ये सब सामान है। अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद ना फ्लैग बिल्कुल अच्छे से खोल के दिखाऊंगी और फिर प्रेस होगा, फिर परचम खुशाई होगी। तो दिल को बहुत खुशी मिलती है जब ऐसे सारे मौके आते हैं। और 14 अगस्त में भी इतनी खुशी हुई थी, लेकिन ना एक प्रॉब्लम हो गई थी, हम लोगों ने इतनी रात में झंडा लगाया कि दद्दा लोग तो सो ही गई, तो अब हम लोग सिर्फ मैं मम्मा बाबा और मेरा थे। तो हम लोगों ने हम पढ़ाई की थी लेकिन दद्दा लोग सो गई थी। तो लेकिन अभी दद्दा लोग सही नहीं है, अभी टाइम क्या हो गया, अरे अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं, तो दद्दा लोग सोई कहाँ है, दद्दा लोग तो जागी नहीं है। तो यानी कि परचम खुशाई में हम लोग सब होंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। तो अभी बस चलते हैं परचम, अभी मैं आप लोगों को अपना परचम चांद सितारे वाला नहीं वो झंडा खोल के दिखाऊंगी ये चांद सितारे वाला नहीं है जिसने नबी। तो गाइस ये रहा झंडा जो कि मैंने आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी प्रेस होगा, अभी प्रेस नहीं हुआ, देखिए कितना बड़ा झंडा है मेरे हाथ में। गाइस कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन घर सजा रहे हैं सरकार की आमद कौन कौन मना।